इस टॉपिक के अंदर आज हम चेक करेंगे कि जब ऑटो कैड हम ओपन करते हैं, क्योंकि प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने कुछ सेटिंग्स देखी वर्कस्पेस, तो ऑटो कैड ओपन करने के बाद कुछ कमांड्स जो हमें जो हमारा टाइम एक्चुअली सेव करेंगी। वन ऑफ द एडवांटेज रिमेंबर इन वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने कहा था ऑटो कैड का है कि ये एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है, ये हमारा टाइम सेव करता है। तो कुछ ऐसी क्विक टूल्स हम देख लेंगे, हमारे पास जो शॉर्ट कमांड्स नज़र आ रही हैं, हमारी शॉर्ट कीज नज़र आ रही हैं, उनको हम यूज़ कैसे करते हैं, और ओवरऑल जब हम एक सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसके बाद जो सेटिंग्स हमें नज़र आती हैं उन सेटिंग्स को यूज़ कुछ कमांड्स का कहाँ कहाँ करना है हम देखेंगे। कि जब हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग के अंदर डायमेंशन बहुत मैटर करती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर हमने इन डायमेंशंस को चेंज करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे कि कोई भी हम जब ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं बना लेते हैं, सपोज हमने एक लाइन बनाई है, तो उसके नॉर्मली 4 व्यूज मिनिमम हमारे सामने होते हैं। एक हम किसी चीज़ को टॉप से देख सकते हैं, हम उसको बॉटम से देख सकते हैं, लेफ्ट और राइट। इस लेक्चर के अंदर हम ये भी नोट करेंगे कि जब हम इन चीज़ों हमने किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से देखना हो, डिफरेंट डायमेंशन से देखना हो, डिफरेंट साइड से देखना हो, तो वो हम कैसे देख सकते हैं, और कुछ और शॉर्ट कीज जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन किया है। आइए बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ और ऑटो कैड की तरफ, परफॉर्म करते हैं कि ये इंटरफेस क्या हमने कैड के अंदर कैसे ऑपरेट करना है। तो ये हमारे पास अगेन हम स्क्रीन पे वापस आ गए हैं और हम कैड को यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद एक नई ड्राइंग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोई ड्राइंग सेव नहीं है। ये हमारे पास जो लास्ट हमने कुछ सेटिंग्स की हैं, उस सेटिंग्स के बाद ये हमारे पास इंटरफेस का व्यू बना था। अब अभी कुछ एक दो नई टूल्स, और ये आपने भी अपने पास ऑन रखनी है स्टार्ट से ही, जैसा कि 3 हमने पहले टूल बार से ऐड की थी, 2 से 3 हम, और ये रिकमेंडेड है क्लासिक के लिए। जब आप अगर प्रीवियस वर्जन्स में कहीं आपको काम करना पड़ेगा तो आप देखेंगे ये ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे ऑन होंगी, तो हम उन रिकमेंडेड टूल्स को जो है वो दोबारा नए सिरे से ऑन कर लेते हैं। तो इसके हमारे पास स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज तक हमने कर लिया था, तो हम इस स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ से ऑन कर लेते हैं, एंड देन टूल बार से ही हम जाकर टाइल एंड वर्क स्पेस को भी ऑन कर लेते हैं। ये हमारे पास अब बेसिक टूल्स जो हैं वो ऐड हो गई हैं, ऑन हो गई हैं हमारे पास। तो अब हम अगर नोट करें, ये आपने यहाँ से अगेन किसी भी टूल बार को ड्रैग आप कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले पिछले प्रीवियस टॉपिक में भी किया है। अब ये टॉप पे जहाँ पे आपको 2 डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं, ये कर्सर मैं यही नोट घुमा रहा हूँ, तो आप इस डॉटेड लाइन को पकड़ के आप किसी भी टूल को किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप कोशिश करें कि अपने लेफ्ट साइड अगर आप रखना भी है, और अप टू यू अगेन, बट मैं फ़िलहाल प्रेफरेबली इन टूल्स को अपने मेन्यू बार के साथ ऐड कर रहा हूँ। ये हमारे पास हमारी टूल्स ऑन हो गई हैं, और इनको फर्दर अगर आप स्पेस को ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, फर्दर बचाना चाहते हैं, तो आप इनको साथ साथ इकट्ठा भी कर सकते हैं ताकि आपकी वर्क स्पेस जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये हमारे पास अब एक इंटरफेस बन चुका है जो नज़र आ रहा है आप सबके सामने, दिस इंटरफेस, जिसमें हमने क्लासिक की सेटिंग्स और कुछ टूल्स ऑन किए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आइकॉन के पास से, जैसे बिल्कुल टॉप पे आपके टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर आपका 16 वर्जन का आइकॉन है। इसके साथ हमारे पास न्यू की कमांड है, इसमें से हम कोई नई ड्राइंग, अगर हम नई ड्राइंग फाइल, ब्लैंक ड्राइंग फाइल ओपन करना चाहें, जिस तरह हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे भी आप अगर क्लिक करें आप एक नई ड्राइंग फाइल ओपन कर सकते हैं। ये जैसे ही अगेन बैक टू दिस फिल क्लिक ऑन दिस, तो ये हमारे आपके पास सेलेक्ट टेम्पलेट, अगर ऑलरेडी कोई अवेलेबल टेम्पलेट, तो रिकमेंडेड ये है कि अगर आप इन फाइल्स में से कोई चूज करना चाह रहे हैं तो एक ऐड के ऊपर अगर आप डबल क्लिक कर दें तो ये हमारे पास एक नई ड्राइंग जो है वो ओपन हो चुकी है। इसके साथ हमारे पास ऑलरेडी अगर हमने कोई ओपन करनी है ड्राइंग्स, वो भी मौजूद है ऑप्शन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मेन्यू बार के अंदर जाकर फर्दर इन चीज़ों को देख भी लेंगे, सेव और सेव एज, देन यू कैन इवन प्लॉट। तो ये हमारे पास यहाँ की सेटिंग्स हैं, देन ये हमारा मेन मेन्यू बार है जो अभी हमने चेंज किया है। ये हमने कुछ जो अभी टूल बार्स ऐड किए हैं वो हमारे पास स्क्रीन पे हैं, और इसके बाद हम अगर नीचे आते हैं तो ये हमारे पास हमारी कमांड बार है, जहाँ पे कोई भी जब हम कमांड ओपन करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो एक्चुअली वो यहाँ पे लिखी हो जाएगी, जहाँ पे अगर आप नोट करें तो टाइप अ कमांड। अब अक्सर यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है वो ये होती है कि बाज़ोकात ये कमांड लाइन जो है हमारी वो हिडन हो जाती है, स्क्रीन से गायब हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो हम चेक करते हैं
ये दिस कमांड लाइन अगेन, ये कर्सर जहाँ पे आपका राइटली अभी मूव कर रहा है, तो अगर आप कंट्रोल 9 प्रेस करें, कंट्रोल जैसे ही आपने कंट्रोल और 9 इकट्ठा प्रेस किया तो एक मैसेज आपके सामने आए, डू यू वॉन्ट टू क्लोज दी कमांड लाइन विंडो, क्या आप कमांड लाइन विंडो क्लोज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इफ सपोज यस प्रेस कर देते हैं, तो ये कमांड लाइन जो यहाँ नजर आ रही थी, दिस कर्सर मूव कर रहा है नाउ, दिस हैज बीन, ये डिसअपियर हो गई है, हमारी स्क्रीन से गायब हो गई है। अब अगर हम ये कन्फ्यूजन दोबारा इस कमांड लाइन को वापस लाना चाहते हैं, तो सेम कंट्रोल और 9 ये दोनों आपने इकट्ठे प्रेस करने हैं, तो ये कमांड लाइन आपके पास वापस आ चुकी है। तो ये आपने जब भी कभी ये कमांड लाइन आपसे यहाँ से क्लोज हो जाती है, हम खुद क्लोज ना भी करें, तो अगर आपकी कहीं अनइंटेंशनली गलती से क्लिक हो गई और ये यहाँ क्लोज भी हो गई, तो अगेन कंट्रोल 9 से ये आपकी कमांड लाइन वापस आ जाएगी। अब इसके बाद ये हमारे पास कुछ व्यूज भी हैं, सपोज हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो आगे हम ड्रॉ करना सीखेंगे, ये हमारे पास एक ये यहाँ पे, अगर ये कर्सर मेरा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा, जो भी हमने टूल बार ऐड किए थे ड्रॉ के, आप यहाँ कोई भी हमने ये एक लाइन अगर ड्रॉ कर ली है, ये अगेन कहाँ से हमने की है, जाके ड्रॉ ऑर्डर के टूल बार से लाइन आपने स्टार्ट की और आपने ये प्रेस कर दिया या एंटर प्रेस कर दिया, ये लाइन है। अब ये हमारे पास कुछ व्यूज हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, ये हमारे पास डायरेक्शंस हैं, एंड देन दिस टॉप और टॉप के साथ हम, और सपोज ये हमारे पास दो लाइंस हैं और अभी हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, और हम इसको ये अगर आप एरोज देखें दो मौजूद हैं, हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो चुकी हैं, अब हमारे पास वेस्ट टॉप में चला गया है और ईस्ट हमारा अगर आप देखें तो ये एरो जो है वो डाउनवर्ड है, साउथ एंड नॉर्थ। तो ये आप इजीली डायरेक्शंस को स्विच कर सकते हैं किसी भी ड्राइंग की। तो ये तो डायरेक्शन है, बट अगर आप इसका व्यू चेंज करना चाहें, आप अभी ये टॉप से हम इन लाइंस को देख रहे हैं, हम इसको बैक टू ओरिजिनल कर लेते हैं, नॉर्थ हमेशा ड्राइंग में टॉप पे रहेगा हमारा। अब सपोज अगर आप इसके व्यूज को चेंज करना चाहें, तो यहाँ से आप, ये राइट व्यू है, अब राइट साइड पे आप इसको लेफ्ट व्यू बैक व्यू भी देख सकते हैं, आप इसका लेफ्ट व्यू भी देख सकते हैं, और अगेन आप इसका टॉप व्यू भी देख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हमने वर्क करना है तो हम हमेशा इसके टॉप व्यू में वर्क करेंगे। ये दिस वॉज वन मेथड, ये एक मेथड है ड्राइंग की पोजिशन चेंज करने का। सेकेंड मेथड हम आते हैं, ये आप स्क्रीन पे जो हमारी जहाँ पे ड्रॉ ऑर्डर, जहाँ से अभी हमने लाइन ड्रॉ की, इसके साथ अगर आप नोट करें तो दिस टॉप 2D वायर फ्रेम, तो अगर इस टॉप पे आप लेफ्ट क्लिक करें तो यहाँ पे भी ऑप्शंस आप पे मौजूद हैं, आप यहाँ से भी डायरेक्ट ड्राइंग की मॉडल व्यूज चेंज कर सकते हैं, आप बॉटम में भी जा सकते हैं और आप लेफ्ट या राइट में भी जा सकते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं अगर हमारे पास, हम बाय डिफॉल्ट हम टॉप और नॉर्थ डायरेक्शन में वर्क करेंगे, और ये हमारे पास और ऑलरेडी ओरिजिनल लाइंस हैं। अब हमारे पास यही जो मेन हमने मेनू देखा, इसके पास हमारे साथ ये आप अगर देख नोट करें तो हमारे पास दिस एक हैंड बना हुआ आपकी स्क्रीन पे भी नजर आएगा, दिस हैंड कमांड, आप इजीली जो है इसको अगर आप इस पे क्लिक कर कर्सर लेकर जाएं, आपने क्लिक नहीं करनी, अगर कैड के अंदर आप जिस कमांड पे अपने सिर्फ कर्सर को मूव करके रखेंगे, खुद ब खुद वो कमांड का नाम और उसका पर्पस आपके सामने आ जाएगा कि ये कमांड है क्या और ये करती क्या है। तो पैन रियल टाइम कमांड मूव्स दी व्यू प्लानर टू दी स्क्रीन, अगर आप इस कमांड पे क्लिक करें और आप इजीली जो है अपनी पूरी ड्राइंग स्पेस को स्क्रीन पे किसी भी जगह मूव करके रख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ दिस पैन कमांड। आप कभी भी जब वर्क कर रहे होंगे वर्क स्पेस के अंदर, ड्राइंग्स के ऊपर, हाउस प्लान्स के ऊपर, और आपको अगर ड्राइंग अपनी मूव करनी है अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट, आप इस पैन कमांड से इसको यूज करेंगे। और जब भी आपने कोई कमांड एंड करनी है, जब आप इसको क्लोज करना चाह रहे हैं, सपोज आपने कोई नई अब कमांड ओपन करनी है, तो एस्केप का बटन जो आपकी कीबोर्ड पे मौजूद होता है, क्योंकि तो कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर नजर आता है एस्केप का बटन, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये कमांड आपकी डिसअपियर हो जाएगी फ्रॉम स्क्रीन। सपोज हमारे पास एक लाइंस हैं, और अगर आप इस कर्सर को जो आपका माउस का मौजूद है, और आप अगर इस माउस से इसको जूम इन जूम आउट, या सपोज अगर ऐसा भी केस हो सकता है कि ये दो आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपकी स्क्रीन से बाहर चला जाए, अब आपकी ये स्क्रीन है, ये करंट वर्क स्पेस है हमारी दिस वन, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, जो लाइन्स नजर आ रही हैं, ये हमारी स्क्रीन से बाहर चली गई हैं, और अगर आपने इन लाइन्स को वापस बैक टू स्क्रीन लाना हो, तो इसके साथ हमारे पैन कमांड के साथ कमांड मौजूद है जूम रियल टाइम, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के ऊपर, ये हमारी जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, अगर इनको हम इनक्रीज इनका साइज या बढ़ाना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो,
आप इन सारी कमांड, एक्चुअली ये जो भी जूम की कमांड आपको नजर आ रही है, इसमें से आप इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो दिस कमांड फॉर एग्जांपल, ये जूम विंडो जो आपके पैन कमांड राइट साइड पे मौजूद है, अगर आप इस पे क्लिक करें और आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कर्सर मूव करें और आप इसको जूम कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल साथ हमारे पास एक कमांड है, ऊपर अगर कर्सर ले जाएं तो दिस इज जूम प्रीवियस, अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये वापस आपको बैक टू ओरिजिनल व्यू में ले आएगा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने जूम किया है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने सेटिंग्स देखी हैं कि इंटरफेस जब हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर कैसे कैसे कौन कौन सी टूल नज़र आती हैं, उनकी प्लेसमेंट्स क्या हैं, अगर हमने ड्रैग उनको चेंज भी करना हो हम कर सकते हैं, और इवन उनमें से कुछ शॉर्ट कीज़ का हमने इस्तेमाल भी देखा।